हेलो फ्रेंड्स, जर्मन लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट चलाता हूं मैं, ई लैंग्वेज स्टूडियो जर्मन स्पीकर्स क्लब। लगातार आपसे मैं डेली एक घंटे ग्रुप डिस्कशन में मिलता हूं, स्टामटिश डॉयच में 12 से 1 बजे हम लोग मिलते हैं। उसमें सारे लोग इनवाइटेड हैं, कोई भी आके उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि एक बार पहले मैंने थोड़ा बताया भी था कि बेसिक और एडवांस कोर्सेज में किस तरह का क्या फ़र्क होता है। बेसिक कोर्सेज में जब आप नए नए जर्मन सीखते हो तो ग्रामर का एक आपके पास चैलेंज रहता है। बेसिक लेवल की जर्मन आएगी, उसमें ऑफ कोर्स चाहे स्पोकन हो, लिसनिंग हो, राइटिंग हो, लेकिन नई नई जर्मन होती है तो आपको ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना होता है। A1 A2 खास तौर पर बेसिक ज़्यादा चलता है। B1 में हम लोग स्पोकन के भी अच्छे टॉपिक्स लेते हैं, रोज डिस्कशन करना उसमें ज़रूरी है। लेकिन जब बात B2 और C1 की आती है तो वो फिर रियल जर्मन है। वो कोई किताबों में लिखने के लिए या लोगों को सिखाने के लिए जर्मन नहीं है। फिर रियल जैसे जर्मन जीते हैं वो जर्मन उसमें होती है। फिर जैसे मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, ये जो जर्मन चलती है इनमें, या उनकी डे टू डे लाइफ में जो कहावतें, मुहावरे, उनकी कहानियां, नॉवेल्स, ये वाली चीज, इसी को एडवांस जर्मन कहते हैं। कि जब आपको नेटिव स्पीकर का लेवल अचीव करना है तो आपको B2 C1 करना होगा। लेकिन दोस्तों, A1 A2 B1 पढ़ाना अलग बात है और B2 और C1 पढ़ाना अलग बात है बिल्कुल ही। B2 और C1 पढ़ाने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा तजुर्बा होना चाहिए। आपने जर्मन लैंग्वेज के समुद्र में गोता खाया है, आप जर्मनी में रहे हो, या फिर आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, इस उसी को जर्मन लैंग्वेज B2 और C1 पढ़ाने का राइट है। मेरे ख्याल से हम लोग भी यहाँ पे A1 से C1 तक की क्लासेस चलाते हैं लगातार, 10-12 साल हो गए हमको। लेकिन खास तौर पे B2 C1 में हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि कौन ये क्लासेस लेंगे। C1 के लिए तो हम लोग प्रोफेसर्स को ही आगे रखते हैं इसमें। B2 के कोर्सेज तो मैं भी लेता हूँ साथ में, और प्रोफेसर सर हैं, हम लोग मिलके भी लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग B2 C1 के कुछ कोर्सेज करने वाले हैं। B2 तो अभी 28 से ही हमने स्टार्ट करने का प्लान किया है, और जुलाई के फर्स्ट वीक में C1 का। इसमें जो आपके क्लासेस लेंगे वो एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं, हैदराबाद से हैं। सर को 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, मतलब ये समझो आप 35-40 का साल का जिसको एक्सपीरियंस हो जाए, और जर्मन लैंग्वेज को जिसने दिल से जिया हो, उनको बेग्रिफ लर्न नहीं करने पड़ते। फिर तो वो अपने आप अंदर से निकलती है जर्मन, और जब जर्मन भी आप बोलते हो तो जैसे मोती झड़ते हैं। जर्मन्स को भी लगता है कि ये पर्सन तो अपने से भी ज़्यादा जर्मन जानता है। इस तरह का पर्सन जब आपको जर्मन सिखाए तब मज़ा है सीखने का और सिखाने का भी। सो दोस्तों, आप अगर B2 के या C1 के कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप अपने आप को भाग्यशाली फील करेंगे। भले ही आपने बेसिक जर्मन कहीं से भी सीखी है, लेकिन आप इस मौके का फायदा उठाएं, और अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमको लिखिए, हम आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। और किस तरह से हम लोग क्या क्या कोर्स करने वाले हैं, कितना टाइम लगेगा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे होगी, इसके बारे में तमाम सवालों के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।